गाइज वेलकम बैक टू अनदर ट्यूटोरियल वीडियो। प्रीवियस में आपने जो स्टेटस देखा, अगर आप भी इस तरीके का स्टेटस क्रिएट करना चाहते हो, इस वीडियो को स्किप मत करना, अच्छे से एंड तक देख लेना, वरना बाद में आप लोग ही कमेंट करोगे कि इफेक्ट कॉपी नहीं हो रहा है, इफेक्ट शो नहीं हो रहा है, इसलिए स्किप मत करना, अच्छे से एंड तक देख लेना, आप इजीली क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लेना, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर ट्रेंडिंग और लेटेस्ट ट्यूटोरियल देखने को रोज मिलेगा। ठीक है, और मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको जो HD स्टेटस है इजीली मिल जाएगा, और HD इमेजेस भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आपको डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको सभी मटेरियल का लिंक इजीली मिल जाएगा, और लिंक से डाउनलोड करने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे वीडियो भी मिल सकता है, वीडियो आप देख लेना, आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आपका एलाइट मोशन अगर प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है तो एलाइट मोशन पे XML जो है वो इंपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि प्ले स्टोर से जो भी एलाइट मोशन डाउनलोड करते हैं वो उनका XML इंपोर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अगर ये वाला एलाइट मोशन ऐप चाहिए, मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाना, पिन किया हुआ मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों XML को एलाइट मोशन में इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के बाद प्रोजेक्ट पर जाना है, जो बिटमार्क वाला प्रोजेक्ट है, सिंपल से आपको कुछ इस तरीके से ओपन करना है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने ऑलरेडी ऐड करके रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपको सिंगल बिटमार्क और डबल बिटमार्क दिखाई देगा। सिंगल बिटमार्क का मतलब है फर्स्ट इफेक्ट, और आपको यहाँ पे जो डबल बिटमार्क दिखाई दे रहा है इसका मतलब है सेकेंड इफेक्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो सॉन्ग है वो डिलीट हो जाएगा, क्योंकि XML पे सॉन्ग नहीं रहता है। तो यहाँ पे सॉन्ग को कैसे ऐड करना है, डिस्क्रिप्शन पे आपको सॉन्ग का लिंक मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लेना है, या तो ऑडियो होगा या तो वीडियो होगा। अगर वीडियो होगा तो आपको यहाँ पे ऐड करना है, वीडियो को सिलेक्ट करके ऊपर आपको यहाँ पे थ्री डॉट दिखाई देगा, थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑडियो दिखाई देगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक कर देना, जो साउंड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑडियो हुआ तो आप डायरेक्ट ऑडियो भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एरो पे क्लिक करके आपको फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाना है। फर्स्ट बिटमार्क पे आ जाने के बाद आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, आपको यहाँ पे इमेजेस को ऐड करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह आपको बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड कर लेना है। ठीक है, प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया कर लेना है, एरो पे क्लिक करना है, फिर से एरो पे क्लिक करना है, नेक्स्ट बिटमार्क पे जाना है, बाकी पार्ट रिमूव कर देना है। इसी तरह आपको बिटमार्क के हिसाब से इमेजेस को ऐड कर लेना है। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी आपको कर लेना है, और ये सभी इमेज आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक बिटमार्क के हिसाब से ऐड कर लेना है। ठीक है, और अगर आपको ये सभी इमेज चाहिए प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम, टेलीग्राम पे आपको इजीली मिल जाएगा, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, टेलीग्राम पे आपको अच्छा अच्छा इमेजेस इजीली मिल जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ, सिंपल से आपको यहाँ पे पूरा एंड तक ऐड कर लेना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, बाकी भी आपको ऐड कर लेना है, यहाँ पे मैं करने जाऊँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, इस तरीके से आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको ऐसे सिंपल से बैक आना है, बैक आने के बाद जो शेक इफेक्ट है, शेक इफेक्ट पे जाने, यहाँ पे आपको इफेक्ट वन, इफेक्ट टू और आपको पांच चीज़ें देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको इफेक्ट वन पे क्लिक करना है, नीचे आपको इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है। ठीक है, उसके बाद आपको बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, एरो पे क्लिक करना है, सिंगल बिटमार्क पे आ जाना है, सिंगल बिटमार्क वाला जितना भी इमेजेस है सभी इमेजेस पे आपको फर्स्ट इफेक्ट पेस्ट करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हो, डबल बिटमार्क को छोड़ देना है, सिंगल बिटमार्क वाला जितना भी इमेजेस है सभी इमेजेस पे आपको इफेक्ट पेस्ट करना है। इस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूँ सिंपल से आपको सेम टू सेम कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, पूरा एंडिंग तक कर लेना। आप इमेज जब ऐड करोगे तो सिंगल बिटमार्क जितना भी इमेजेस होगा सभी इमेजेस पे आपको फर्स्ट इफेक्ट जो है वो पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपको ऐसे बैक आना है, फिर से आपको यहाँ पे शेक इफेक्ट पे जाना है। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यहाँ पे जो इफेक्ट है वो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल पे इफेक्ट दिया है इसलिए शो नहीं कर रहा है। XML पे इमेज यहाँ पे ऐड करूंगा तो इमेज क्या होता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, इफेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर दो, ऑटोमेटिकली दिखाई देगा। इफेक्ट टू पे जाना है, इफेक्ट पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, साथ में आपको जो CC दिखाई दे रहे हैं पाँचों CC को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। ठीक है, ऊपर जो प्लस दिखाई दे रहा है प्लस पे क्लिक करके कॉपी 5 लेयर कर लेना है। यहाँ से आपको बैक आना है, बिटमार्क वाले प्रोजेक्ट पे जाना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट पे आना है, प्लस पे क्लिक करके पेस्ट 5 लेयर कर देना है पूरा एंडिंग पॉइंट तक। ठीक है, इस तरीके से कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डबल बिटमार्क पे आना है, डबल बिटमार्क वाला इमेज सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पे जाके थ्री डॉट पे क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है, जितना भी इमेजेस है डबल बिटमार्क वाला सभी इमेजेस पे आपको सेकंड इफेक्ट पेस्ट कर देना है।
सिंपल से क्या करना है, इमेज को सिलेक्ट करके इफेक्ट पेस्ट कर देना है। इमेज को सिलेक्ट करना है, इफेक्ट्स पर आके थ्रेड पर क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर देना है। इस तरीके से आपको पूरा एंडिंग पॉइंट तक कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। मैंने कंप्लीट नहीं दिखाया क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए आपको इतना टाइम ही बताया, ठीक है। इसके बाद आपको एक्सपोर्ट करने के लिए ऊपर राइट पे कॉर्नर पे क्लिक करना है, हाई रिजोल्यूशन में वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। सो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।